हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी NTA UGC नेट पेपर 1 2020 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 84 के बारे में। सबसे पहले इस वीडियो के फॉर्मेट के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर आपके पास हर एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 10 सेकेंड का टाइम होगा। ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं या फिर आप हमें इसी वीडियो के एंड में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को करेक्ट मार्क किया। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड 10 MCQs, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन शॉर्ट SDGs गोल 13 इज अबाउट। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। गोल 13 है किसके बारे में? ऑप्शन डी क्लाइमेट एक्शन के बारे में, यानी कि जलवायु कार्रवाई के बारे में। गोल 13 के अकॉर्डिंग अर्जेंट एक्शन लिया जाना चाहिए कॉम्बैट करने के लिए, यानी कि बैटल करने के लिए, किससे? क्लाइमेट चेंज से और इसके इम्पैक्ट से, यानी कि इसके प्रभाव से। इसके अलावा अगर हम अदर ऑप्शंस के बारे में बात करें, जैसे कि ऑप्शन ए पर था अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी कि सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, ये एसोसिएटेड है गोल 7 से। ऑप्शन बी गोल 16 से एसोसिएटेड है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, यानी कि शांति न्याय और मजबूत संस्थान। और ऑप्शन सी था जीरो हंगर, ये एसोसिएटेड है, ये जुड़ा हुआ है गोल 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम 1880 टू 2012 द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाय हाउ मेनी डिग्रीज सेल्सियस, यानी कि 1880 से 2012 तक औसत वैश्विक तापमान में कितनी डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई? एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर में यानी कि औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई थी ऑप्शन डी 0.85 डिग्री सेल्सियस की। और प्रेजेंट टाइम में एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर यानी कि औसत वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है, यानी कि इंक्रीज हुआ है। जबकि 1880 से 2012 तक की बात की जाए तो 0.85 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई थी एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर में। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन ग्लोबल एमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सिंस 1990, इनके कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में 1990 के बाद से लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड के ग्लोबल एमिशन में यानी कि वैश्विक उत्सर्जन में 1990 के बाद अप्रॉक्सीमेटली ऑप्शन बी 50% की वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुआ है। और फ्रेंड्स, 2019 को रिकॉर्ड किया गया है दूसरा सबसे वार्मेस्ट ईयर, यानी कि सेकंड वार्मेस्ट ईयर रिकॉर्ड किया गया है 2019 को, जहां पर एंड हुआ है वार्मेस्ट डिकेड का जो था 2010 से 2019 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज कंट्रीज अडॉप्टेड द पेरिस एग्रीमेंट टू रिड्यूस ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू हाउ मैनी डिग्रीज सेल्सियस, यानी कि जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए देशों ने वैश्विक तापमान वृद्धि को कितने डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए पेरिस समझौते को अपनाया? फ्रेंड्स, इस तरह का क्वेश्चन आपका दिसंबर 2019 में पूछा गया था। क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए कंट्रीज ने अपनाया था पेरिस एग्रीमेंट को, ताकि रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके ग्लोबल टेम्परेचर राइज को, वैश्विक तापमान वृद्धि को कम किया जा सके। कितना डिग्री सेल्सियस कम किया जा सके? ऑप्शन बी 2 डिग्रीज सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 5 है हु वॉज अपॉइंटेड एज द UN सेक्रेटरी जनरल्स एडवोकेट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में सतत विकास लक्ष्यों के लिए किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन डी दिया मिर्जा को अपॉइंट किया गया था एज द UN सेक्रेटरी जनरल्स एडवोकेट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और दिया मिर्जा को यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट्स गुडविल एम्बेसडर फॉर इंडिया भी अपॉइंट किया गया था 2017 में
7 मई 2020 तक के लिए, लेकिन उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है 2022 तक के लिए एज अ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट गुडविल एम्बेसडर फॉर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, सितंबर 16 वाज डेजिग्नेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एज द डैश, यानी कि 16 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किसके रूप में नामित किया गया था। सिक्सटीन सितंबर को डेजिग्नेटेड किया गया है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा ऑप्शन डी इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर, यानी कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 16 सितंबर को नामित किया गया है। आप इसे वर्ल्ड ओजोन डे भी कह सकते हैं, यानी कि विश्व ओजोन दिवस भी आप इसे कह सकते हैं। 16 सितंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे, और इस बार का थीम क्या था 2020 का वर्ल्ड ओजोन डे का, वो था ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, यानी कि इस साल 35 साल हो चुके हैं वियना कन्वेंशन को, या फिर आप कह सकते हैं इस बार के वर्ल्ड ओजोन डे को सेलिब्रेट किए गए 35 ईयर्स वियना कन्वेंशन के। और वियना कन्वेंशन किसके लिए था, प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, यानी कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए वियना कन्वेंशन था। 1985 में वर्ल्ड गवर्नमेंट ने क्या किया था, अपनाया था वियना कन्वेंशन को ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए। और ओजोन लेयर क्या है, एक थिन पार्ट है, एक पतला सा हिस्सा है अर्थ के एटमॉस्फेयर का, जो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है जितनी भी सूरज की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट लाइट होती है उसे ऑब्जर्व करता है ओजोन लेयर। क्वेश्चन नंबर 7 है, एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ द रियो अर्थ समिट 2012 वाज एन एग्रीमेंट ऑन द क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन विच रिजल्टेड इन, यानी कि रियो अर्थ समिट 2012 की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पर एक समझौता था जिसके कारण क्या हुआ। नंबर 1 क्योटो प्रोटोकॉल, नंबर 2 पेरिस एग्रीमेंट, नंबर 3 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, नंबर 4 कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट कोड है कोड ए। कोड ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट पर है क्योटो प्रोटोकॉल और सेकंड पर है पेरिस एग्रीमेंट, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट रहा किसका, रियो अर्थ समिट 2012 का, जो था जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पर एक समझौता, यानी कि क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन पर एक एग्रीमेंट, जिसके कारण क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर लेते हैं 2012 में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हुआ था रियो में, जिसे रियो प्लस 20 और रियो अर्थ समिट 2012 के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब हुआ था, 13 से 22 जून के बीच 2012 में। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर लेते हैं क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए था, रिड्यूस करने के लिए ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को, यानी कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए था क्योटो प्रोटोकॉल। और इसके अलावा पेरिस एग्रीमेंट किसके साथ डील करता है, ये डील करता है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस मिटिगेशन से, यानी कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए है पेरिस एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ओपन्ड फॉर सिग्नेचर एट द अर्थ समिट इन रियो डी जनेरियो फ्रॉम 3rd to 14th June इन 1992, यानी कि इनमें से कौन सा 1992 में 3 से 14 जून तक रियो डी जनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर के लिए नहीं खोला गया था। इनमें से वो है ऑप्शन डी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है किसके लिए, ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए, जो कब साइन हुई थी 16 सितंबर 1987 को 1987 को, और ये कब प्रभाव में आई 1 जनवरी 1989 को। नेक्स्ट पॉइंट है अर्थ समिट के बारे में हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। पहले द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इन शॉर्ट UNCED, जिसे जाना जाता है रियो डी जनेरियो अर्थ समिट के नाम से, रियो समिट के नाम से, दी रियो कॉन्फ्रेंस के नाम से, अर्थ समिट के नाम से भी इसे जाना जाता है, पोर्टुगीज में इसे इको 92 के नाम से जाना जाता है, जो क्या था एक मेजर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस थी जो हुई थी रियो डी जनेरियो में 3 से 14 जून के बीच 1992 में।
रियो डी जेनेरियो ये कहाँ पर है, ये ब्राज़ील में है। नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ अदर ऑप्शंस के बारे में, जैसे कि एक ऑप्शन था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन शॉर्ट CBD, इसे बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है इनफॉर्मली, और ये क्या है, एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है, यानी कि एक बहुपक्षीय संधि है जिसमें तीन या उससे ज़्यादा पार्टीज़ शामिल होती हैं। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये ओपन हुआ था सिग्नेचर के लिए अर्थ समिट में रियो डी जेनेरियो में 5 जून 1992 को, और कब लागू हुआ, 29 दिसंबर 1993 को। और बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन की दो सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स हैं, कौन कौन से, कार्टेजेना प्रोटोकॉल और सेकंड है नागोया प्रोटोकॉल। नेक्स्ट ऑप्शन था UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये क्या है, एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ट्रीटी है, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संधि है, जो किसके लिए थी, रिड्यूस करने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस को, और साथ ही साथ इसका एम क्या था, रोकथाम करना जो भी डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस है, यानी कि खतरनाक जो मानव जनित हस्तक्षेप है अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम के साथ होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ द्वारा, उसकी रोकथाम करना था, यानी कि उसको प्रिवेंट करना था। UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसे कब अपनाया गया था, 9 मई 1992 को, और ये भी कब ओपन हुआ था सिग्नेचर के लिए, 4 जून 1992 को। कहाँ पर हुआ था, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन शॉर्ट UNCED, जिसे रियो समिट के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पर हुआ था, रियो डी जेनेरियो में, जो इसका पॉपुलर टाइटल है अर्थ समिट, उसके नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन में था यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन इन शॉर्ट UNCCD, ये संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है जो किसके लिए है, कॉम्बैट करने के लिए, बैटल करने के लिए, किसके साथ, डेजर्टिफिकेशन के साथ। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, यानी कि मरुस्थलीकरण क्या होता है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा एक फर्टाइल लैंड यानी कि एक उपजाऊ भूमि डेजर्ट बन जाती है, रेगिस्तान बन जाती है, और इसका रिजल्ट क्या रहता है कि ड्रॉट जैसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, यानी कि सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ता है, डिफॉरेस्टेशन होता है यानी कि वनों की कटाई होती है, और एग्रीकल्चर के लिए यानी कि कृषि के लिए लैंड अप्रोप्रिएट नहीं रहती है, यानी कि सुटेबल नहीं रहती है। जो कंट्रीज़ एक्सपीरियंस कर रही हैं सीरियस ड्रॉट का या फिर डेजर्टिफिकेशन का यानी कि मरुस्थलीकरण का, जैसे वो एरियाज़ हैं अफ्रीका में, उन कंट्रीज़ में UNCCD एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। UNCCD एक कन्वेंशन है जो कॉम्बैट करता है डेजर्टिफिकेशन के साथ और मिटिगेट करता है, कम करता है ड्रॉट के इफ़ेक्ट्स को, यानी कि सूखे के प्रभाव को कम करता है। किसके थ्रू, नेशनल एक्शन प्रोग्राम्स के थ्रू, यानी कि राष्ट्रीय कार्यवाही कार्यक्रम होते हैं उनके द्वारा। और ये इस तरह का सिर्फ एक ऐसा कन्वेंशन है, एक ऐसा सम्मेलन है जो सीधा यानी कि डायरेक्ट रियो कॉन्फ्रेंस एजेंडा 21 की रिकमेंडेशन यानी कि सिफारिश से ओरिजिनेट हुआ था, उत्पन्न हुआ था। UNCCD यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसे कब अपनाया गया था, इसे अपनाया गया था 17 जून 1994 को फ्रांस की कैपिटल पेरिस में, और ये कब लागू हुआ था, 1996 में दिसंबर में। इसके अलावा फ्रेंड्स एजेंडा 21 प्रोडक्ट है किसका, अर्थ समिट का, यानी कि यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट का, जो हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में। तो इससे फ्रेंड्स हमारा क्लियर हो जाता है कि जो इम्पॉर्टेंट लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स थे, यानी कि महत्वपूर्ण कानूनी रूप से अनिवार्य समझौते थे जो रियो कन्वेंशन में ओपन हुए थे सिग्नेचर के लिए, वो थे 1 कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, 2 फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इन शॉर्ट UNFCCC, और 3 पर है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ऑन 28 मार्च 2013 विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू विदड्रॉ फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन इन शॉर्ट UNCCD, यानी कि 28 मार्च 2013 को UNCCD को वापस लेने वाला कौन सा पहला देश बना। वो कंट्री है ऑप्शन सी कनाडा, जिसने विड्रॉ किया था अपना नाम किससे, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन से। इस तरह से ये पहली कंट्री बनी जिसने UNCCD से अपना नाम विड्रॉ किया, और कब किया था, 28 मार्च 2013 को।
UNCCD क्या है? एक इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है जिसे सेटअप किया गया था किसके लिए, एड्रेस करने के लिए किसकी प्रॉब्लम को, डेस्टिफिकेशन की यानी कि मरुस्थलीकरण की प्रॉब्लम के लिए। डेस्टिफिकेशन के बारे में हम अपने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। 28 मार्च 2013 को कनाडा ऐसी पहली कंट्री बन गई थी जिसने विड्रॉ किया था इस कन्वेंशन से। कौन सा कन्वेंशन था? UNCCD यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेस्टिफिकेशन। देन उसके बाद विड्रॉल को कैंसिल कर दिया गया कनाडा द्वारा 21 दिसंबर 2016 को, और उसके बाद क्या हुआ, कनाडा फिर से पार्टी बन गया इस कन्वेंशन की 21 मार्च 2017 को। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स डिड नॉट हेल्प सिंस रियो समिट 1992 यानी कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन से, इनमें से किन दस्तावेजों का विकास नहीं हुआ है? इनमें से वो है ऑप्शन डी ग्लोबल एजेंडा, जो डेवलप नहीं हुआ था रियो समिट 1992 में। रियो समिट 1992 को अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है, और इस समिट में डेवलपमेंट हुआ था किन डॉक्यूमेंट्स का? नंबर वन है रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, नंबर सेकंड एजेंडा 21, और नंबर थर्ड पर है फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।